everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग DS that is distributed system के class करने वाले हैं, class 87 है. इससे पहले 86 क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं. तो लास्ट क्लास में हमने वोटिंग प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट आपका है वो स्टैटिक वोटिंग प्रोटोकॉल है एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ योर डायनामिक वोटिंग प्रोटोकॉल. तो स्टैटिक प्रोटोकॉल को आज हम डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू द वोटिंग प्रोटोकॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू नो आपको जो भी मैं वीडियोज डालूंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा. और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स कली को, कि ज्यादा से ज्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सके. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वोटिंग प्रोटोकॉल. द वोटिंग मैकेनिज्म इज अ मोर फॉल्ट टॉलरेंट देन अ कॉमेट प्रोटोकॉल. तो वोटिंग मैकेनिज्म जो है वो आपका यू नो फॉल्ट टॉलरेंट ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू द कॉमेट प्रोटोकॉल, जो कि मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था. इन दैट इफ allow access to the data under the network partition, site failures and message losses without compromising the integrity of the data. Then we start with a static voting protocol. Static voting protocol जो होता है, in a static voting scheme the replicas of a file are stored at a different site. तो basically जो static voting scheme होता है उसमें जो replica होता है file का वो अलग 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 जगह पे store होता है. Secondly, every file access operation required that an appropriate lock is obtained. तो हर एक operation require जो करता है या हर एक अलग अलग जगह पे जो हमारे files होते हैं store, वहाँ पे अलग अलग lock भी obtained होते हैं. The lock granting या granting rules allow either वन राइटर नो रीडर. तो जो हमारा लॉक रहता है वो ग्रैंड कैसे करता है रूल हमारा, एक होता है वन राइटर एंड नो रीडर. सो एक राइटर होता है और कोई रीडर नहीं होता. एंड मल्टीपल रीडर्स नो राइटर. तो मल्टीपल रीडर्स हो सकते हैं बट नो राइटर, कोई राइट नहीं कर सकता. टू एसेस अ फाइल साइमल्टेनियस, अगर साइमल्टेनियसली फाइल को एसेस कर रहे हैं तब उस केस में. इट इज़ अज्यूम दैट at every site there is a lock messenger that performs the lock related operations and every file is associated with a version number which gives the number of times of a file has been updated. वो number of times बताएगा कितनी बार वो file update की गई हुई है उसके behalf पे. The version number are the stored on stable storage and every successful write operation on a replica update its version number. तो जैसे जैसे वो update करता जाएगा वैसे वैसे उसका version number भी update होता रहेगा जितनी बार वो update हुआ होगा. वोटिंग प्रोटोकॉल इज़ अ कॉमन अप्रोच टू प्रोवाइड द फॉल्ट टॉलरेंट इन DS. तो वोटिंग प्रोटोकॉल एक आपका कॉमन अप्रोच है फॉल्ट टॉलरेंस के रिस्पेक्ट में, अगर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम की बात करें. बाय रेप्लिकेटिंग द डेटा एट मैनी साइट और नोड. तो रेप्लिकेट करता है मैनी साइट पे और नोड्स पे. ठीक है, तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एन्जॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.